हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं कार डीलरशिप सिमुलेटर। तुम्हें याद ही होगा हम अपनी गाड़ियों को एक एक टीएल में सेल कर रहे हैं। और हाँ, ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ सेल भी हो चुकी है, वैसे एक ही गाड़ी सेल हुई है अभी तक, एंड यहाँ पे एक गाड़ी और सेल हुई है। तो चलो मैं अपनी शॉप को ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो टायर चेंज एंड कार डिटेलिंग का काम मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए जब वर्कर वगैरह का अपडेट आएगा ना, तभी करेंगे उसका काम। तो चलो यहाँ पे मैंने बस वॉशिंग वाला ओपन रखा है, क्योंकि तुम्हें पता है ऑटोमेटिकली अपनी गाड़ियाँ वॉश होती रहती हैं। और नवा अपडेट भी आज का तुम्हें मैं दिखाता हूँ चल के। तो ठीक है, यहाँ पे पहले कस्टमर का वेट करते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमर आ जाए उन्हें गाड़ियाँ वगैरह सेल करेंगे। एंड यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है इस धुलने के लिए अभी तक, तो चलो कस्टमर का ही वेट करते हैं। ओह ठीक है, एक कस्टमर आया भाई ग्रीन शर्ट में। तो ठीक है, सर से बात करता हूँ, इन्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, कहीं पता लगे अंदर वाली गाड़ी चाहिए होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हें चाहिए $316 हमसे लेके, ये जो साइड में गाड़ी खड़ी थी वो वाली लेके गए हैं। और यहाँ पे गाड़ियाँ वॉश के लिए आना शुरू हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे वॉश देख रहे हो तुम कैसे होती हैं गाड़ियाँ, मतलब इन पर भी पत्ते होते हैं एंड इनको भी ठीक है, इन पर भी सर्फ डाला जाता है एंड तभी इनको वॉश किया जाता है। सही है भी काम। तो ठीक है, और कस्टमर्स का वेट करते हैं एंड एक एक डॉलर में ना अपनी गाड़ियाँ सेल करते हैं। चलते हैं नवे वाला अपडेट देखने। तो एक सेकंड, यहाँ पे एक और कस्टमर आ चुका है। ठीक है मैम को आने दो। मेरे हिसाब से जो अंदर अपनी लग्जरी गाड़ी खड़ी है ऐसे ही वो भी ले सकती हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ। रुको, ये क्या कहती हैं भाई अभी गाड़ियों के बारे में। ठीक है, इनको भी एक डॉलर वाली। यार मतलब जब से मैंने एक डॉलर की गाड़ियाँ लगाई है, कस्टमर ना जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो चुके हैं। बट ठीक है, अभी के लिए ना मैं जल्दी से और कस्टमर्स का वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस, हम गाड़ियाँ देखने आए थे जो वॉश होती, और यहाँ पे एक और बंदा आया है जो कि गाड़ी खरीदने की मांग कर रहा है। ठीक है, गाड़ी की शॉप है तो गाड़ियाँ खरीदेगा ना। एंड इसने गाड़ी कितने में ली है, 194 माइनस, मतलब मेरे से पैसे लेके जा रहे हैं। आई नो, मेरे को पता है मेरा घाटा है, बट ठीक है, एक टाइम पे हम कर सकते हैं, अमीर बंदे हैं हम, करोड़ों का हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, दिक्कत नहीं है मेरे को कोई। तो चलो अभी एक और कस्टमर आ जाए बस, एंड एक गाड़ी खरीद ले फिर चलते हैं यार, हम यहाँ से निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसका जो फ्री लिखा हुआ है इस पर फ्री कर देता हूँ ना, एकदम जो फ्री अच्छा लगेगा। दो मिनट रुको, यहाँ पे ना फ्री लिख देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे करते हैं फ्री। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, रुको। वैसे फ्री में क्या है यार, हम पैसा दे के, वैसा कभी होना चाहिए ना तुम्हारे साथ कि तुम पैसा, मतलब गाड़ी भी मिले साथ में पैसे भी मिले तुम्हें। और यहाँ पे फ्री से अच्छा $1 लिख देते। दो मिनट, ये क्या हुआ, $1 लिख देता हूँ, वही बढ़िया है। TL तो मैं लिख नहीं सकता, तो $1 ही बढ़िया है। तो चलो यहाँ पे एक डालते हैं, अबे टू नहीं वन लिखना था, दो मिनट रुको, वन एंड एक डाल देते हैं डॉलर, देखते हैं ये प्राइस आएगा क्या। ठीक है, मतलब हमारे शोरूम का नाम तो चेंज हो गया, एक और कस्टमर आया, दो मिनट। और यहाँ देखो सारी गाड़ियों का एंड अपने शोरूम का भी नाम $1 हो चुका है। तो ठीक है गाइस, और ये शायद से अंदर वाली गाड़ी लेके गया। ठीक है, इसने अंदर वाली गाड़ी चुनी है भाई, बहुत बढ़िया काम करा। हाँ, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, देखो 2,68,00,000 रुपीस हो चुके हैं मेरे पास टोटल। तो चलो इन गाड़ियों को मैं ऐसे छोड़ता हूँ, और भी गाड़ियाँ लेके आता हूँ, बट उसके लिए ना मेरे को मौसम चेंज करना पड़ेगा। तो मौसम चेंज करते हैं एंड फिर चलते हैं, दो मिनट रुको, मेरे को ना बहुत भारी लग रहा है, घर जा के अपने शोरूम में आना पड़ेगा। तो गाइस 10 दिन हो चुके हैं मुझे, एंड यहाँ देखो कूड़ा भी काफ़ी हो चुका है, बट यहाँ से ना मैं अभी तक घर पहुंचा ही नहीं हूँ यार। तो दो मिनट रुको, यहाँ से पहले सारा कूड़ा कबाड़ उठाऊँ। और मैंने ना खाना एंड जो पानी वगैरह पीता हूँ ना, जिससे मेरा स्टेमिना बढ़ता है, वो देखो ज़ीरो हो चुका है स्टेमिने वाला, पानी तो, बट खाना 18% मेरे पास है अभी। तो चलो अभी ना यहाँ पे जितना कूड़ा है पहले साफ़ करता हूँ, बट यार काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और यहाँ से फेंकने पर भी नहीं जा रहा है कूड़ा। तो चलो अभी ना जितना भी कूड़ा है सबको ना धीरे धीरे करके ना मैं फेंक देता हूँ, एंड यहाँ से भाई बारिश का करते हैं, क्योंकि बारिश में ही थोड़े बहुत अपडेट आ रहे हैं। तो चलो इतनी दूर से तो सामने जाके गिर रहा है यार ये। तो ठीक है, इसको ना मैं यहाँ से फेंकता हूँ, और वो लास्ट बचा, चलो छोड़ो उसको, मैं बाद में सेल करूँगा। अभी ना मैं तुम्हें चल के दिखा देता हूँ क्या क्या अपडेट है वैसे, और खाना पीना भी खा लेता हूँ। तो देखो जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, पता क्या होगा, इसके ऊपर एक शेल्टर टाइप आ जाएगा, जिससे कि ना इन गाड़ी पे ना बारिश नहीं होगी, जो ये कस्टमर्स वगैरह हैं ये बचे रहेंगे। तो ये इनका प्रॉफिट। एंड तुम्हें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो फूड का चेंज कर दिया इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, पहले शटर लगा था उसमें से खाना वगैरह ले लेते थे हम, बट अब इस टाइम डोनर लिखा हुआ है, वैसे डिनर होगा शायद से उधर पे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाना है, और ठीक है यहाँ से ले लेते हैं भाई, देख रहे हो कितना सारा फूड ला के रखा हुआ है इसने इस बारी। तो ठीक है भाई, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, मतलब 2 हॉट डॉग खा लिए मैंने, हॉट डॉग पता नहीं क्या था वैसे वो, एंड 2 पानी की बोतलें पी ली हैं।
तो ठीक है गाइज, यहाँ से मेरे को गाड़ी वगैरह लेनी है, तो ये तो एक ही टाइम पे हो पाएगा जब मैं तुम्हें अपडेट दिखाऊंगा। और अपडेट कब दिखाऊंगा? बारिश होने पे। तो फिर से शुरू करता हूँ यार अपना बारिश वाला काम, अगर जल्दी से बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट टाइम बस थोड़ा, ये क्या हुआ? वेट, बैंक्स गिव हिज क्रेडिट, ठीक है, बैंक आर गिविंग लो इंटरेस्ट क्रेडिट, द प्राइस ऑफ यूज कार विल फॉल। मैंने जी एम अभी तो ठीक है गाइस, यहाँ पे फाइनली हमने सारी की सारी गाड़ियाँ, गाड़ियाँ नहीं मतलब कूड़ा सारा फेंक दिया, बस मेरे को बारिश का इंतजार है, जल्दी से जल्दी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही है। 2 मिनट को दोबारा से चलते हैं हम। भाई अभी भी मेरे को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ये बारिश कर ही नहीं रहे। कितने दिन होंगे मेरे को? 29 थे, 29 डेज हो चुके हैं, 30 पे देखते हैं हमें क्या अचीवमेंट मिलती है। तो रुको, यहाँ पे मेरे हिसाब से परचेस है, ठीक है, सिस्टर ने हमारे डेबिट से 15,000 रुपये निकाले होंगे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, फैमिली मैटर है वो। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट डे करते हैं, एंड अभी भी कोई बारिश नहीं, तो वेट करना पड़ेगा गाइस जिससे कि बारिश हो एंड हम नवा अपडेट देख पाए। फाइनली फाइनली बारिश हो चुकी है, इसी चीज़ का तो मुझे इंतजार था, मौसम वेदर चेंज हो चुका है गाइस, एंड यहाँ पे टाइम है बारिश का। तो चलो अब मैंने सारा कूड़ा पहले फेंकता हूँ, एंड यहाँ से तुम्हें चल के दिखाऊंगा अब अपनी शॉप पे। और एक सेकेंड, ओपे क्या बादल कड़क रहे हैं भाई सही में। और यहाँ पे रुको 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 रुको, ये सारी की सारी गाड़ियाँ तुमने देखी होगी गंदी थी, बट इस टाइम यहाँ पे सारी गाड़ियाँ साफ हो चुकी हैं। तुम्हें पता है अपा जैसे डे चेंज करते हैं तो यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ गंदी हो जाती है, बट बारिश के कारण सारी की सारी गाड़ियाँ धुल चुकी हैं, एंड अंदर तो कोई गाड़ी है ही नहीं अभी। तो चलो छोड़ो, एंड यहाँ पे मेरे को शॉप, नहीं, शॉप को ओपन नहीं, बिल्स वगैरह पे कर देता हूँ। यहाँ पे 27,000 डॉलर बने थे, मतलब TL बने थे। तो चलो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से अपनी शॉप से सीधा अपडेट दिखाने के लिए। तो ठीक है अपनी गाड़ी पे चलते हैं, लंबरगिनी बढ़िया यार अपने पास, GTR 3 SS से, GT नहीं ऑडी SS से। तो थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी खा लेता हूँ जिससे ना यार इतने दिन मैंने ट्रैवल करा है, अगले अगले दिन पे तो भूख लगती है। तो ठीक है, और ये दिखा रहा था मैं, छोटे छोटे से ना सेल्टर टाइप बना दिए इन्होंने जिससे कि ना इसमें जो लोग हैं वो छुपे रहते हैं, बट कुछ कस्टमर्स हैं इनके जो ऐसे आएंगे ही नहीं ओल्ड शॉप पे, मतलब ओल्ड गाड़ियाँ सेल करने के लिए। तुम सब देख सकते हो बेचारे कुछ तो खड़े हैं, ये देखो कुछ बारिश में ही खड़े हैं, पता नहीं भाई ये ग्लिच वगैरह है या फिर शायद से इन्होंने ऐसे ही रखा हो। ये देखो बेचारे दो गाड़ी वाले ऐसे ही ठंडे हो रहे हैं बारिश में, और ये मोहतरमा भी गीली हो रही हैं। तो ठीक है हम कुछ भी नहीं कर सकते इन सब के लिए, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इनसे गाड़ियाँ बाय कर सकते हैं क्योंकि हम खुद गीले हो रहे हैं भाई बारिश में। और यहाँ पे देखो दो गाड़ियाँ यहाँ पे बंदे सील करें, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त है वैसे तो। चलो और ये कौन है गाड़ी लेके आया? ठीक है ठीक है, इनके लिए कुछ नहीं बनाया गया यार, इनके लिए भी बनाना चाहिए था। चलो अभी ना मैं गाड़ियाँ बाय करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये कितने की है? 9 लाख की ना, तो बार्गनिंग वगैरह पे ये मेरे को 9 लाख में दे देगी, मतलब 9,30,000 की है, एंड इससे अगर बार्गनिंग करूँगा तो अच्छे खासे प्राइस में दे देगी। तो चलो अभी 9 लाख में से बाय करते हैं, रुको रुको। एंड बैट प्राइस ठीक है, 1,000 10,000 इसके लिए, नहीं, अभी भी गिव गुड मनी, 20,000 बहुत है ना इस गाड़ी का भाई, 10,000 तो छोड़, हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो ठीक है गिव गुड, ठीक है भाई हमने इससे गाड़ी बाय कर ली है, एंड इसको ना मैं जल्दी से चल के खड़ा देता हूँ। ठीक है फाइनली इसको भी खड़ा दिया है, एंड यहाँ पे सर जी गाड़ी लेके खड़े हैं, सीधा बाय करते हैं। रुको ए, मैंने इसे सीधा बिना बार्गेनिंग के बाय करा, मेरे हिसाब से ना वहाँ गाड़ी खड़ी है, ठीक है 3 पार्क पे भी खड़ी है, 4 पे भी खड़ी है, अभी 5 पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है डन, यहाँ पे 6 पे हमने खड़ाई है, से नहीं 5 पे खड़ाई है शायद से, 4, 3, 2 इन पे गाड़ियाँ खड़ी थी। तो चलो इसको खड़ाते हैं हम 6 पे, एंड 7 पे शायद से गाड़ी हो सकती है, नहीं 7 पे भी गाड़ी खड़ी हुई है, तो 8 पे ले जाते हैं इसे। रुको एंड यहाँ पे देखो मैंने टोटल 8 गाड़ियाँ जो बाय की थी, मतलब कुछ उसमें होंगी 1-1 डॉलर की, एंड कुछ का मेरे को प्राइस वगैरह सेट करना पड़ेगा। और मौसम जो है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस टाइम। तो चलो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ, यही है शेल्टर अपडेट, एंड जो डिनर अपडेट था वही है, बस इनके ऊपर दो कवर करने के लिए बारिश से बचने के लिए टेंट से लगा दिए और कुछ नहीं। तो चलो और यहाँ पे इस शॉप में कोई अपडेट है? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। तो ठीक है यहाँ पे गाड़ी वगैरह है, एंड यहाँ पे बात वगैरह कर रहे हैं। अच्छा इन्हें एक साइड कर दिया, वैसे पहले ना बीच बीच में खड़े रहते थे। और यहाँ पे ये गाड़ी 1 करोड़ 29, ये 43 लाख की, एंड ये 1 करोड़ 8 लाख। तो मेरे को देखो दो गाड़ियाँ खरीदनी है, तो मैं ये दोनों गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2,69,000 है शायद, कितने थे 2 मिनट मैं देखता हूँ, रुको रुको। यहाँ पे 20 लाख 28 लाख बचे हैं, और यहाँ पे 29 लाख चाहिए यार।
हाँ, मेरे को कम से कम $1,00,000 और चाहिए। तो अभी तो मैं इस गाड़ी को बाय नहीं कर सकता, तो इसके थ्रू मैं किसी और गाड़ी को बाय कर लूँ क्या यार? दोनों ना वहाँ पे फॉर्चूनर टाइप खड़ी रहती ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। बट छोड़ो, अभी यहाँ पे ये वाली गाड़ी सही में अल्टीमेट लग रही है यार। खड़ा था ना मैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती। बट ठीक है, एंड इसका प्राइस क्या है? मतलब 28-27 लाख चल? नहीं, इसका भी प्राइस भाई काफ़ी महंगा है, एंड इसका सस्ता होगा, 1 करोड़ से नीचे मिलती है। ठीक है, वर्केट GT3 मिल रही है 81 लाख की, तो इसको मैं खड़ा देता हूँ अभी चल के। एंड चलो, अभी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे है ही नहीं। तो चलो अभी ना एक गाड़ी खरीद के ना यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मेरे पास एक भी मतलब ज़्यादा नहीं बचेंगे पैसे। ये 43 की है ना, तो यही बाई कर लेता हूँ। ठीक है, BMW 5 है ना। तो चलो देखो मेरे पास कितने टोटल प्राइस पड़ा है, $3,00,000। कोई बात नहीं भाई, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अभी सेल वगैरह करूँगा ना गाड़ियाँ, तो पैसा वगैरह आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने कम से कम एक दो तीन गाड़ियाँ तो मैंने ली होंगी जैसे, और उसमें मेरे को नंबर प्लेट्स लगानी है। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है तो मेरे को कम ही टाइम लगेगा। तो चलो अभी ना मैं जल्दी जल्दी इन पे ना नंबर प्लेट वगैरह लगाता हूँ। एंड इन्हें भाई, इन्हें नहीं $1 की बेच सकता कहीं, तुम सोचो भाई इन गाड़ियों को भी $1 की सेल करने के लिए लाए हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो अभी ना मैं जल्दी जल्दी इन गाड़ियों पर लगाता हूँ नंबर प्लेट, एंड $1 मेरे को हटाना पड़ेगा, वो मैं हटाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। देखो इसकी वीडियो तो खाली आएगी अपडेट में ही, एंड यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट आएंगे, गेम्स के अपडेट आने वाले हैं, और हमारी एक फेवरेट गेम भी आने वाली है। तुम सब सोचो वो कौन सी गेम है जो कि क्या कहते हैं हमारी गेम आएगी, रिलीज़ होने वाली है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, वो गेम तुम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलो, और उसका इंतज़ार तुम करते रहते हो भाई, उसके मैं जितने मर्जी एपिसोड बना दूँ तुम हर टाइम उसको देखने के लिए तैयार हो। तो ठीक है, अभी ना इसको मैं जल्दी से चलता हूँ, एंड इसको मैं जल्दी लगाता हूँ। ठीक है, प्राइस वगैरह इसका सेट करते हैं। 7 लाख की है, 7,30,000 में तो सेल हो जाएगी प्यार से। तो ठीक है, इसका प्राइस सेट, एंड यहाँ पे एक गाड़ी ये रही, इसका नाम 4 लाख का प्राइस तो सेट हो जाएगा इसका भी डन। 30,000 तो मैं बढ़ा ही सकता हूँ ना। तो ठीक है, एंड यहाँ पे इसका प्राइस है 11 लाख, 12 लाख में सेल हो जाएगी क्या? लगता नहीं है वैसे, बट होगी 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 भाई। 49,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरे को। एंड ये कितने की है? 90, 10 लाख। ओ भाई, 10 लाख में भी हो चुकी है गाड़ी। चलो अभी ना मैं चल के अंदर वाली गाड़ियों के भी प्राइस सेट करता हूँ। 2 मिनट, पहले ना अपनी शॉप को सेल के लिए ओपन करता हूँ, क्योंकि देखो कस्टमर वगैरह आएंगे तभी सेल होना स्टार्ट होगा। तो चलो, और मैं इस टाइम ना भाई गरीबी में चल रहा हूँ, मतलब $3,00,000 पड़े हैं मेरे पास। गाड़ी वगैरह बेचूंगा तभी पैसे आएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे इसका नंबर प्लेट लगाओ, एंड एक तीनों गाड़ियाँ लेके आऊँ ना। ठीक है, तीन गाड़ियाँ लेके आऊँ मैं। तो चलो, ये है वर्केट GT3, एक है BMW 5, एंड वाली मेरे को उसका ना गाड़ी का नाम नहीं पता। 2 मिनट, उसका भी नाम देख के आता हूँ मेरे को। ठीक है, अभी ना यहाँ पे इसको, एक कस्टमर आया, वेट, एक बाहर की तरफ ना कस्टमर आया। ठीक है, उसको पता नहीं कौन सी गाड़ी चाहिए। तो चलो अभी ना मैं गाड़ी का प्राइस वगैरह देख लेता हूँ, पता लग जाएगा। तो $1 लिखा हुआ है यार इन पे, पता लगे $1 में ये गाड़ी भी लेने की सोचे। तो ठीक है, इसे चाहिए BWN7। BWN7 कौन सी गाड़ी है यार जिसका प्राइस 1,06,00,000 है? यार मैं इसको ऐसे अगर सेल कर दूंगा गाड़ी तो भाई मेरा ही घाटा है, क्योंकि मैं इतने में तो उस गाड़ी को लेके आया था। तो छोड़ो गाइस, वो जो हमारी BWN7 थी वो हमने सेल कर दिया बिना प्राइस सेट करे। एंड यहाँ पे कह रहा है क्लोज फॉर दी शॉप, तो मेरे हिसाब से मेरे को पहले ना अपनी शॉप को क्लोज़ करना पड़ेगा, एंड फिर जाके इन गाड़ियों को सेल कर सकता हूँ। तो चलो अभी ना इसको हटाता हूँ भाई, जितना मर्जी कम कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ठीक है, अभी के लिए इसे छोड़ो, एंड यहाँ से ना अपनी ना शॉप क्लोज़ करता हूँ, फिर देखता हूँ। 2 मिनट, यहाँ पे एक कस्टमर आया ऐसा ऐसे, इस करके मैं अपनी शॉप को, ठीक है इसको चाहिए, ठीक है $1 वाली गाड़ी चाहिए थी। तो चलो अभी देखो, $1 की थोड़ी बहुत डिमांड है, कुछ गाड़ियाँ बची हैं कि मैं ना $1 में सेल कर सकता हूँ। तो चलो अभी ना मैं चल के इनका प्राइस तो चेंज नहीं कर सकता, तो चलो आज कस्टमर को खुश हो जाने दो। जो कस्टमर आएगा, एक दो जो भी आते हैं, वो गाड़ी खरीदना चाहें तो हमारे अंदर उतने ही प्राइस में जितने में हमने ली थी बाय कर सकते हैं। पहली बात, ये बहुत बड़ा ऑफर दे रहा हूँ इन कस्टमर्स को मैं। और यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ भाई, बारिश के टाइम कौन अपनी गाड़ी धुलाने लेके आता है? मतलब बारिश हो रही है, तुम अपनी गाड़ी को धुलवाने लाए हो, बाहर खड़ा हो घर के, एंड वो वैसे ही वॉश हो जाए अच्छी खासी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कस्टमर्स का, भाई कस्टमर तो आ नहीं रहा, थोड़ा ब्रेड और कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे ना कॉफ़ी बनाने के लिए रख देता हूँ, वेट करते हैं कस्टमर का, जल्दी से कस्टमर आ जाए तो ठीक है।
वरना क्या कर सकते हैं भाई, आज शॉप को क्लोज करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। बट एक चीज़ है, बारिश में थोड़े बहुत अपडेट आ रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद ये वर्कर वगैरह का भी अपडेट दे दें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम सबको क्या लगता है भाई, वर्कर का अपडेट देना चाहिए इन्हें या नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। तो चलो, मेरी इतने में ना कॉफ़ी भी तैयार हो चुकी थी भाई, कस्टमर आया नहीं, ये देखो ब्रेड ब्रेड भूख है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कॉफ़ी पीता हूँ। एंड यहाँ पे मैं देख, नहीं आया यार कोई भी कस्टमर, मेरे को नज़र नहीं आ रहा अभी। ठीक है, अभी ना मैं अपनी शॉप को क्लोज़ कर दूँ क्या भाई, कस्टमर वगैरह आ नहीं रहे तो शॉप को, नहीं 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 एक कस्टमर आया। ठीक है, अभी एक कस्टमर तो आ ही गया फाइनली, इससे ना सेल करता हूँ अपनी गाड़ी नवी। तो चलो, इसे कौन सी गाड़ी चाहिए, अंदर वाली ना मांग ले भाई, पता लगे उतने ही प्राइस में सेल करनी पड़ेगी मुझे। ऐसे चाहिए, ठीक है, $1 की चाहिए। तो चलो गाइस, फाइनली यहाँ काम ख़त्म करते हैं। एंड यहाँ पे और भी गाड़ियाँ बची हुई है जो कि मैं सेल करूँगा बाद में। तो ठीक है, नेक्स्ट डे आते हैं एंड इस वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलो गाइस, इस वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना आपको वाला एपिसोड कैसा लगा। एंड भाई सब्सक्राइब भी कर ही देना चैनल पर अब आए हो तो। और चलो गाइस, अब मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।